बारात जाने वाली है, बस यहाँ से शुरू करते हैं। फैमिली खड़ी है माहिम की। यार इधर अभी थोड़ी देर पहले सैलाब आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे पहाड़ हैं। खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं। ये है ममतू। तो मैं ट्राई करूंगा कि ममतू यहाँ टेस्ट में कैसे है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। हमारा जो ड्रामा इतने दिनों से जो शूटिंग चल रही थी, जिसमें है माहीन, डॉक्टर मदीहा, एमजे हसन और बहुत सारे आर्टिस्ट, ओएसटी, टीजर्स सब हो गए हैं रेडी। अब 12 अगस्त से फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होगा और लाइव चैनल पे। आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है और देखना है उसमें कमाल की अदाकारी, स्टोरी लाइन परफेक्ट, डायरेक्शन परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। आप सब ने देखना है। इवन थोड़ी देर पहले माहीन की कॉल आई थी, उसकी शूटिंग मुझसे 2-3 दिन पहले खत्म हो चुकी थी, तो वो अपने फैमिली के साथ नॉर्थन एरियाज गई थी। अभी उसकी कॉल आई है, उसने मुझे बोला कि जल्दी आओ, उनका कोई मसला हो गया है। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, अभी मैं और मेरा दोस्त हम जा रहे हैं उन्हीं के पास। शायद एक दिन मैं भी घूमूं फिरूं उनके साथ, फिर वापस आएंगे इस्लामाबाद। मैं हो गया हूँ रेडी, वॉलेट, फोन और बैग, बस डन हो गया, अभी मैं चलता हूँ। फाइनली मैं पहुंच गया। वो सामने फैमिली खड़ी है माहीन की, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, बाकी जो है व्लॉग बाद में कंटिन्यू करता हूँ, अभी जाके वो देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार वो आ गया, उसको कॉल की थी। गरीब हो क्या? ये लफ्ज़ सुन के बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगता था जब तक मुझे पता नहीं था कि आप गेम्स खेलकर पैसा कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म लाया हूं जिसका नाम है 22bet, जहां आप गेम्स खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये है 22bet वेबसाइट। इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल इजी है। अभी मेरा प्रोमो कोड यूज करके रजिस्टर करने पे आपको मिल सकता है 100% बोनस, और यहाँ आप मैक्सिमम 90,000 तक बोनस हासिल कर सकते हैं। 22bet आपको फराम करता है 24/7 सपोर्ट। यहाँ आप इजी पैसा जैस कैश या लोकल बैंक के थ्रू डिपॉजिट एंड विथड्रॉल करवा सकते हैं। एज यू गाइज नो, आई नेवर रिकमेंड समथिंग बैड और अनटेस्टेड प्रोडक्ट, सो यू कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 22bet। इंतजार किस बात का, मैंने प्रोमो कोड मेंशन किया है, मेरा प्रोमो कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करें और रजिस्टर करें 22bet में। और हाँ, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। 75 years later। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हो? यार उस टाइम मैं नहीं दिखा सका क्योंकि अब, और तुम अभी बताओ तुम कैसी हो, कैसे गुजरा तुम्हारा सफर? ऐसा लग रहा कोई सजा मिल रही है। नहीं नहीं यार, क्यों सजा मिलेगी, हर चीज को एंजॉय करो। जब ट्रेवल पे निकलो तो छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज, कई ट्रैवल रास्ता बंद हो जाता है, फंस जाता है बंदा, गाड़ी खराब हो जाती है, बंदा हर चीज को एंजॉय करे, इर्द गिर्द घूमे फिरे, एंजॉय करे। अभी मैं चलाऊंगा, आ जाओ। मैं आ गया हूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार सफर की दुआ के साथ सफर शुरू करते हैं, बस हमें जाना है आगे तकरीबन 40 किलोमीटर। यार इधर अभी थोड़ी देर पहले सैलाब आया है, लोग साइड पे हो गए हैं, यहाँ पत्थर, ये देखिए कीचड़ वीचड़ ही सारा आ रहा है, कीचड़ बना हुआ है। माहीन ये शोर किस चीज का है? पानी का शोर है। अच्छा क्या न्यू बात की है आपने, कितनी न्यू बात पूछी है मुझसे। यार प्यारी जगह है ना जी, अब आप आ गए ना तो मेरे साथ एक दो अच्छी अच्छी वीडियो बना ले, मैंने निकाली। हाँ चलो भाई वीडियोस बनाते हैं इसके साथ। यार इसको अभी वीडियोस की पड़ी है, पीछे हमारे दुश्मन। इस मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखें, पता करें, पूछगछ कर के फिर आप लोग जो है नॉर्थन एरियाज का टूर करें। अब तुम लोग आ ही गए हो तो अब एंजॉय कर लो तुम लोग। कल शायद इंशाल्लाह हम वापस जो है चले जाएं इस्लामाबाद। शूट हमारा। हाँ और गाइस आप लोगों ने वेट करना है, हमारा बहुत अच्छा शूट आने वाला है और हमारा ड्रामा भी आने वाला है, दो जबरदस्त चीजें। ओए क्या कर रहे इधर, क्या कर रहे पीछे हमसे दूर चल। अरे अरे आ जा, मजाक कर रहा हूँ मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम इरज। तुम्हें अभी मैं सलाम इसलिए कर रहा हूँ, पहले मैंने किया है ऑब्वियसली, मैं मिला हूँ लेकिन अभी व्लॉग में सलाम कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है तुम लोग इधर? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा तो यहाँ तुम लोग स्टे कर रहे हो? बहुत प्यारी जगह यार, बहुत प्यारी जगह। अभी एक पॉइंट है, मैंने इनको अभी बताया, अताबाद लेक।
क्या नजर आए? कहती मेरे दाने नजर आ जाएंगे। स्किन यहाँ खराब हो गई, पहले जिंदगी में कभी नहीं थे। नहीं यार रिज़, तुम्हारी स्किन अच्छी है यार, तुम क्यों अपनी कॉन्फिडेंस लूज कर रही हो? यार माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे पहाड़ हैं यार। पहाड़ों से तो मुझे वैसे ही मोहब्बत है, क्योंकि बलूचिस्तान में मैं इसी तरह के पहाड़ देखता रहता हूँ। माशाल्लाह से बलूचिस्तान में भी पहाड़ बहुत ज़्यादा है। मेरे सारे दोस्त सारे हाइकर्स हैं, पहाड़ चढ़ने के बहुत शौकीन हैं वो। अभी भी मुझे कल मेरे दोस्त की कॉल आई थी नसीब की, वो कह रहा था जल्दी आओ यार, हम लोग शिल्तन पहाड़ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद शिकार पे जाएंगे। कल परसों में यहाँ से चला जाऊँगा तो वहाँ बलूचिस्तान के आपको पहाड़ दिखाऊंगा। तुम ड्राइविंग कर सकती हो यहाँ से इन रास्तों से? आ जाओ आ जाओ, बस ठीक है आ जाओ, रोक दूँ? हाँ ठीक है रोक रहा हूँ, आ जाओ जल्दी हो जल्दी हो। कर भी लूंगी। मुझे साइड से इशारे कर रही है। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं। रोशनी में जहां की अजब नूर है, साए जिस्मों से आगे कहां जाते हैं। यार ये जेट स्की इतने स्लो क्यों है? दुबई में मैं गया था उधर तो बहुत तेज जाते थे भाई। यार ये आताबाद लेक और हनाजी लेक, इनमें थोड़ी सी रिसेम्बलेंस है। यार मेरा मूड नहीं है इन पे बैठने का क्योंकि ये बहुत स्लो है। यार मैं सोच रहा हूँ कोयटा में जो हना झील है उधर यही बोर्ड्स लगाऊं, ये बिजनेस स्टार्ट करूं। पक्का? कितने में आते होंगे रश्मा? करोड़ से, ये कहते हैं करोड़ से ऊपर आते हैं। थोड़ा कैमरे की तरफ भी देखें, फेस बालों को सही करें। अगर पिक्चर्स और वीडियोस हो गई हैं 10 करोड़ तुम्हारी तो हम चलें? मेरी नहीं आपकी हुई है सारी भाई, तो आप लोग देख लेना जब अपलोड हो जाएंगे। मैं कितने अपलोड करूंगा, ये कितने अपलोड करेगी, आप लोग को पता चल जाएगा। ये एक जगह पे एक पोस्ट पे कम से कम 80 से 100 तस्वीरें लेती है, ऐसा है कि नहीं है? ये जगह है भाई, ये जगह है सारी। यार ये कुछ ट्रेडिशनल जानवरों के कालों से बने हुए कोट्स, जानवर खुद और फॉक्स को इन लोगों ने प्रिजर्व किया है। यार ये कितने में भाई? वाह यार नेवला है। तुमने वो तुम्हारा क्या रहा है? यार अपनी फैमिली वालों के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ लूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये शॉल वगैरह ये बस इस तरह की चीज़ें हैं, अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। ये पत्थर लूँ, ये रिंग्स लेता हूँ। तकरीबन 5 किलोमीटर का टनल हम कब से जा रहे हैं स्पीड में और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया के किस कोने में हम और यहाँ डेवलपमेंट इतनी ज़बरदस्त, दिल खुश हो गया। काश यही डेवलपमेंट बलूचिस्तान में भी होती तो और ज़्यादा दिल खुश होता, और वहाँ तो बिल्कुल ये चीज़ें नहीं हैं। और बस वहाँ जो टनल्स हैं वो ब्रिटिश के दौर में जो बने थे वही हैं, और ये भी चाइना का काम है, ये हम नहीं कर सकते भाई, हम आडराम हैं, ये चाइना वालों ने बनाया है और बहुत कमाल का काम किया है। हम वापस आ गए, बड़ा बड़ा एंजॉय किया हमने, लेकिन एक बंदे ने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। अशर तुम मुझे ये बताओ, तुम कराची से, हम तो चलो इस्लामाबाद में थे, मैं तो इस्लामाबाद से आ गया, मेरे लिए करीब है, तुम कराची से इतना दूर ट्रेवल करके इधर आए, फिर तुम जो मेन पॉइंट है जो आताबाद लेक है तुम उधर नहीं आए, तुम सो गए हो होटल? मेरी हो गई तबीयत खराब यहाँ के तो इसलिए मैं गया ही नहीं। अब इससे लोग पूछेंगे तुम इतना जो ट्रेवल करके आओ आताबाद लेक गए या नहीं, ये बोलेगा नहीं। चलो भाई लगी है बहुत भूख, माहिन तो बिल्कुल वेट ही नहीं कर रही। चलो यार अशर गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आप सबसे सुबह। तुम क्यों ऐसे बराबर हो गए, सीधे हो गए? व्लॉग में आना चाहते हो तो ऐसे ही बोलो। मैं शर को दिखा रहा हूँ, जल्दी से सीधा हो गया, बैठ गया ऐसे बैठ गया। चलो भैया ये है अरशमान,
ये मेरे सारे व्लॉग्स देखता है सबसे पहले। फर्स्ट व्यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर रहा हूँ मैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। मज़ा आ रहा है भाई। यार इंसान को कभी कभी ना निकलना चाहिए लाजमी, माइंड फ्रेश करने के लिए इस तरह साइड एरियाज में। बेशक अकेले आ जाओ, लेकिन आ जाओ। इतना बुरा है। एक मिनट रज को टेस्ट करवाता हूँ। रज तुम्हें मज़ा आ रहा है? घूम फिर रही हो? यार ये टेस्ट करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ये खाया तुमने? हाँ, खाया है। ये टेस्ट करो, बहुत ज़बरदस्त है। भाई नाश्ता करके मैं रेडी हो गया हूँ बिल्कुल। अभी यही करीब में एक जगह है, वहीं पे चलते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं वो पहाड़ है, उस पहाड़ के करीब करीब जाएंगे हम, ताकि वो पहाड़ का व्यू बिल्कुल अच्छे से नज़र आ जाए। हम आए हैं अल्तित फोर्ट में, और अल्तित फोर्ट में यहाँ हमें एक लोकल शॉप मिली है, जहाँ जो यहाँ के ट्रेडिशनल खाने। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या खाने को मिलता है। यहाँ है डाउडू, इसको कहते हैं डाउडू। डाउडू नहीं, डड्डू नहीं, डाउडू। यहाँ डाउडू जो है यहाँ का लोकल सूप है, और ये है ममतूस, यानी हम मोमोज भी कहते हैं इसको। यहाँ के लोग इसको ममतू कहते हैं। ये बेसिकली एक चाइनीज डिश है। मैं हुंजा इस मूड में आया हुआ था कि यार यहाँ होगी सर्दी, तो यहाँ जब पहुँचाऊँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ है बहुत गर्मी। ये हुंजा में अल्तित फोर्ट में एक लोकल शॉप है। चाइनीज़ वाइब आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसे, चाइना टाइप। एक पार्किंग है, पार्किंग के बाद हम जाएंगे। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट ट्रेडिशनल टाइप की शॉप्स बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स टाइप बने हुए हैं। ये देखें कितना प्यारा यार एक वाइब है, एक बाज़ार है। यहाँ लोग खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं। ये है ममतू। तो मैं ट्राई करूँगा कि ममतू यहाँ टेस्ट में कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये है यहाँ का लोकल फूड, चपशूरो नाम है। ये मैंने पिक्चर में देखा और मैंने बोला यार ट्राई तो करें, यहाँ तो आए हैं, चपशूरो ट्राई करें। अभी ट्राई करते हैं तो बताएंगे कैसा है। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग्स हैं। यार यहाँ से पैदल का रास्ता है, और यहाँ कुछ चाइनीज़ लोग भी आए। मुझे अभी चाइना वाली वाइब आ रही थी, मैं कह रहा था कि मुझे चाइनीज़ वाइब आ रही है, और यहाँ मुझे असली में चाइनीज़ लोग दिख गए। यार गर्मी बहुत हो रही है, तो हमारे साथ जो है कुछ बच्चे भी हैं, तो उनको गर्मी बहुत लग रही है, और यहाँ से वॉक करके जाना होगा ऊपर, तो इसलिए हमने सोचा कि ये प्लान कैंसिल कर देते हैं। ये फोर्ट्स, वैसे भी फोर्ट्स हमने बहुत देखे हैं, तो इसीलिए वापस टर्न हो गया। तो भाई यहाँ से हम चलते हैं, कहीं और चलते हैं, ये जगह ज़रा समझ में नहीं आई। यार यहाँ है, ये थोड़ी सी प्यारी जगह है, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ बिल्कुल टॉप है, पूरा शहर नीचे दिख रहा है। सारे वो है लेडी फिंगर, यहाँ आज तक कोई क्लाइम नहीं कर सका कोई हाइकर। लेडी फिंगर हाइट में है 6000 मीटर। एक बंदे ने कोशिश की है, लेकिन वो बेचारा दम तोड़ गया, रास्ते में मर गया। वो है राकापोशी। उधर मेरे ख्याल एक ग्लैन नाम का कोई बंदा था, दो लोग चढ़े हैं, वो अंग्रेज थे, कोई जर्मन थे या अंग्रेज थे, मुझे याद नहीं है। धूप बहुत तेज़ लग रही है, जगह तो यहाँ अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। होटल में जो है एक शादी है किसी की, इधर मेहमान लोग आए हुए हैं, खाना पीना कर रहे हैं, बारात जाने वाली है बस। तो यार अभी मैं निकला हूँ ये स्ट्रीट्स पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। यार इधर है एक ट्रैवल गाइड, क्या है इसमें, अच्छा क्लोज्ड है ट्रैवल गाइड इसमें। योर अल्टीमेट एडवेंचर अवेट्स, रिवर राफ्टिंग, रेंट अ कार, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग। अस्सलाम वालेकुम। यार ये देखें शॉप के अंदर ट्री, यहाँ के लोग दरख्त का कितना ख्याल रखते हैं, दरख्त को काटा नहीं है अपने शॉप के अंदर, उन्होंने जगह ऐसी बनाई है कि भाई दरख्त हो, दैट्स अ गुड थिंग। यार बहुत भूख लगी है, बुफे सिस्टम ऑन हो गया है, तो अभी हम जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ओए हाय, ये देखो
तुम्हारे टाइप की चीजें हैं। फिश है, पता नहीं क्या है। मैंने सिर्फ फिलहाल फिश और चिकन लिया है। आए हाय हाय, अब खाने के सीन्स ऑन है। मजा आ गया, पेट भर गया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान है कि मैं पेट भर के खाना खा सका। हैप्पी प्री बर्थडे टू यू। भाई रज की बर्थडे आने वाली है तो आज सोचा कि प्री बर्थडे सेलिब्रेट करें हम। इरज आपको जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। इरज आपको हैप्पी बर्थडे। इरज हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। शर्मा तो भाई सब कुछ हो गया, खाना वाना खा लिया है, अभी बस हम लोग रात रात में ही निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कल बोला था कि मैं कल निकलूंगा, तो अभी हम निकल रहे हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। एक शहर है, शहर नहीं एक गांव है, यहीं रुके हुए हम लोग हैं, थोड़ा सा रशगश माहौल है। 75 years later यार हम रास्ते में थे तो मैंने रास्ते के क्लिप्स इतने खास नहीं बनाए। अभी हम बस इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में, और इस्लामाबाद पहुंच के हमारा ब्लॉग हो जाएगा एंड। तो अल्लाह हाफिज़, जब तक मेरा नेक्स्ट ब्लॉग नहीं आता, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।